हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो पीपल्स पल्स और इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल के, माफ कीजिएगा, एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी पहली बार बंगाल में सरकार बना सकती है। 173 से 192 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। नंदीग्राम में भी ममता बनर्जी अपना चुनाव हार सकती है। यह बहुत बड़ी बात होगी कि ममता बनर्जी खुद अपनी सीट हार सकती है। 64 से 88 सीटें मिल सकती है तृणमूल कांग्रेस को। सज्जन, नंदीग्राम का जब चुनाव हुआ जिस दिन, उसके बाद 5 दिन तक उससे पहले बैठी रही ममता बनर्जी, तो क्या जमीन फिसलती हुई वहीं पे नजर आ रही थी? वहीं वो नंदीग्राम जो था वो डिसाइडिंग फैक्टर था। देखिए, अगर अब तो हम हाइंडसाइट में पीछे देख के बहुत कुछ दूर से कर सकते हैं उसका विश्लेषण, तो ममता बनर्जी के वहाँ पे जाके कैंप करना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि उन्हें यह एहसास था कि लड़ाई काफ़ी कठिन है। दूसरा ये भी हुआ कि देखिए, वो तृणमूल कांग्रेस की स्टार कैंपेनर थी और उसमें व्हील चेयर बाउंड होने के कारण उनकी मोबिलिटी अफेक्ट हो गई, बहुत ज़्यादा वो दूसरे चरण में कैंपेन नहीं कर पाई। उसके अलावा नंदीग्राम पे उनका काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा, तो सब चीजों से क्या हुआ कि अचानक एक नैरेटिव जो है वो बीजेपी के पक्ष में बहुत आसानी से बन गई। ग्राउंड सेंटीमेंट तो थे, लेकिन परसेप्शन बैटल भी बीजेपी जीतने लगी है। तो उस कारण से जो ममता बनर्जी वहां जाके 3 दिन 4 दिन जो अपना पूरा अंतिम समय में कंसंट्रेट की हैं, वो ये भी दिखाता है कि उन्हें यह एहसास था कि यह लड़ाई जो है नंदीग्राम की सीट बहुत कठिन है उनके लिए। अच्छा अजय, चूंकि हम आपसे नेशनल पर्सपेक्टिव पर भी इस पर बात करना चाहते हैं, कोई भी कठिन स्टेट होता है तो बीजेपी के लिए इस्तेमाल हो जाता है फाइनल फ्रंटियर शब्द। कभी वो जम्मू कश्मीर था फाइनल फ्रंटियर, वहां सरकार इन्होंने बना ली थी अपनी। अब पश्चिम बंगाल के बारे में, असम के बारे में लोग ऐसे ही सोचते थे, वहां पर एग्जिट पोल बता रहा है कि इस बार सरकार बन सकती है। तो क्या ये सबसे कठिन महाज था इनके लिए, या अभी देश में इनकी लड़ाई और बाकी है? अभी एक और लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो पार्टी के स्तर पर या संघ परिवार के स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है और मनोवैज्ञानिक स्तर पर, वो है केरल, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले तकरीबन 20 साल से लगातार काम कर रही है और अपने आप को वहां पर एक कारगर विपक्ष के तौर पर और उसके बाद सत्तारूढ़ पार्टी के तौर पर देखना चाहती है। लेकिन अगर उससे अलग हटकर बात करें तो सबसे पहले, जैसा कि आपने कहा, असम में भारतीय जनता पार्टी के खुद अपने दम पर सरकार बनाने को लेकर यह माना गया कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त जम्मू क्षेत्र में बनाई, उसे बड़ी उपलब्धि माना गया। लेकिन यह माना जाता था कि जम्मू क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत इसलिए भी हो सकती है क्योंकि हिंदू बहुल्य क्षेत्र ज्यादा है और वहां पर पोलराइजेशन का काम अच्छा हो सकता है। लेकिन बंगाल सबसे बड़ी चुनौती कई मामलों में था। बंगाल में सबसे पहले तो मतदाता आमतौर पर कार्डर बेस्ड ज्यादा थे, जो कि वामपंथी दलों के राज्य से और या उस शासनकाल से लगातार एक परिपाटी सी चली आ रही थी। पूरा का पूरा कार्डर वामपंथी दल का एक तरह से तृणमूल कांग्रेस में शिफ्ट हो गया था और इस बात को लेकर कोई मानने को तैयार नहीं था कि ध्रुवीकरण की राजनीति बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में कारगर और सार्थक हो सकती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा माना जाता था कार्ड। इस कार्ड के आधार पर भारतीय जनता पार्टी क्या बंगाल में अपनी जगह बना सकती है, इसे लेकर हमेशा सवालिया निशान था जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक तुरुप का इक्का है और वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी छवि विकास और विकास को लेकर आगे चलने की बड़े पैमाने पर है। तो अगर आप देखेंगे, अगर हमारे एग्जिट पोल के रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं और इसी तरीके से 2/3 से भी ज्यादा का बहुमत आज बीजेपी हासिल करती है, तो इसमें सिर्फ इस बात को लेकर जोर नहीं होगा कि पोलराइज्ड पॉलिटिक्स करके भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल जीता, बल्कि इसलिए भी होगा कि उनके पास एक विकासशील चेहरा है, वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अच्छा, हम बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, इस वक्त बीजेपी के बंगाल प्रमुख दिलीप घोष जी हमारे साथ हैं। दिलीप साहब, आपका स्वागत है। आपने इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के आंकड़े देखे हों अगर, तो 2/3 बहुमत से सज्जन हैं जिन्होंने ये सर्वे किया है, उनका मानना है कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या 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 कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हमारी जो टारगेट है और हम जिस प्रकार से काम किया है और जिस गति और दिशा से चुनाव शुरू हुआ था जंगल महल से और आज की जो लास्ट फेज वहां तक चुनाव उसी गति और दिशा में चला जिस प्रकार हम चाह रहे थे, और जिन्होंने बीच में समझ गए जिनको कि चुनाव हम हार रहे हैं, उन्होंने अपना टारगेट बदला, ईवीएम हो करके, सेंट्रल फोर्स हो करके, चुनाव कमीशन, अभी कोरोना को टारगेट बना करके बहाना ढूंढ रहे हैं कि हार का टिकड़ा किस पर फोड़े। देखिए, भाजपा को उसकी चिंता नहीं है। आपको मालूम होगा 2019 लोकसभा चुनाव में भी जो आया था एग्जिट पोल, और उसमें भी 7-8, 10-12 से ज्यादा कोई सीट हमको नहीं दिया था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि 40% से ऊपर वोट हमको मिलेगा, लेकिन हमने करके दिखाया।
हमारे नेता ने हमको सामने 21 सीट दिया था, हम 18 तक पहुंचे। इस बार 200 का टारगेट है और 200 के पास ही हम पहुंचेंगे। दिलीप दा, बहुत सारे लोग हैं जिनका ये मानना है कि आपकी पार्टी वो सब कुछ कर रही है जो अपने दम पर कर सकती है, लेकिन आप जैसे तमाम नेता जो लगातार बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं, इससे ज्यादा वो लोग जुड़े हैं जो वो लोग भी जुड़े हैं जो बाहर से आए हैं, क्या इनकी वजह से आज आपको बहुत बड़ी गति मिली है जिसके आधार पर आज सज्जन जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं 173 से 180-185 सीटें आप जीत सकते हैं, ये तो अकल्पनीय स्थिति थी। नहीं, अकल्पनीय कुछ नहीं, आप देखिए 3 साल पहले त्रिपुरा में चुनाव हुआ था, उसका 5 साल पहले 1.5% वोट था वहां और हम 50% में पहुंचे, और 5 साल पहले का चुनाव में कहीं एक में खाली जमानत बचा था हमारा, सेकंड पोजीशन भी हम नहीं थे, लेकिन आज त्रिपुरा मेजोरिटी में वहां सरकार चल रही है और धड़ल्ले से काम कर रही है। तो लोकतंत्र में कुछ भी संभव, बंगाल की जागरूक जनता है वो जिनको देते हैं बहुमत देते हैं कि भरपूर काम कर सके, और इस बार भी उसी को दोहराएंगे लोग, भाजपा की तरफ पूरा परिवर्तन का मूड है। और मैंने देखा आज की जैसे कि फेज हुआ, मेरे हिसाब से थर्ड और सेवेंथ और एट्थ फेज हमारे लिए थोड़ा टफ था क्योंकि इस क्षेत्र में हम लोकसभा में सफल नहीं हो पाए, इसलिए लोगों को लग रहा है कि भाजपा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन लोगों की जो रुझान और वोटिंग करने की इच्छा, आप देखे होंगे हमारे कैंडिडेट्स का ऊपर आक्रमण हुआ, कई कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया, पोलिंग एजेंट को मारा गया, बाहर लेके पीटा गया मारा गया, लेकिन चुनाव में और वोटिंग में इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। दिलीप का ये बताइए कि अगर परिवर्तन की लहर चलती है, बीजेपी की सरकार बनती है, तो क्या हम नए बंगाल के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री की चर्चा तो बाद में कर लेंगे, चुनाव का रिजल्ट आ जाए। बता भी दीजिए सर। नहीं, मुझे देखिए हमारी पार्टी की परंपरा है, सिस्टम है, आप लोग सब वरिष्ठ पत्रकार आप सब जानते हैं, कई चुनाव आप देख चुके हैं, मैं तो जुम्मा के जुम्मा 7 दिन आया हूँ, चुनाव में 5-6 साल हुआ है और पहली बार जीतने के लिए हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं और सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं। वो बात इतना ही कह रही कि हो भी सकता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, लोकतंत्र में कुछ भी संभव है राजनीति में, लेकिन अभी मेरे हाथ में इतना काम है कि भाजपा का बहुमत और भाजपा का मुख्यमंत्री बने और जरूर बने। दिलीप दा, ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही और हमारे सिफोलॉजिस्ट सज्जन जी के मुताबिक नंदीग्राम वो हार रही, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या आप इसे शुभेंदु अधिकारी के आपके साथ जुड़ने का श्रेय देंगे इसको, या दरअसल ये मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत इसलिए होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता बनर्जी को ही निशाना बना रही थी और उनको हराना पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी? नहीं, ये हमारी बात मत करिए आप, ममता बनर्जी पिछले चुनाव में बोली थी 294 सीट में मैं कैंडिडेट हूं और इस बार भी वही बोली, अगर हार जीत जो भी होगी अच्छा बुरा तो उनके ऊपर ही जाएगा, वो नकार नहीं सकते हैं, और स्वाभाविक है वो कि एक ही चेहरा है, यहाँ बोलते हैं एक पोस्ट बाकी सब लैंप पोस्ट, तो टारगेट तो उनको होना है और हुआ भी है, और नंदीग्राम आंदोलन का चेहरा तो शुभेंदु बाबू ही है और कई बार जीत चुके हैं वो, ममता बनर्जी की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ जी। आज उसका शेर लेने के लिए वो कही थी लेकिन गलत हो गया है, खेला की बात आप कर रहे हैं, खेला होवे खेला तो नंदीग्राम में ही खत्म हो गया था, ये सबको मालूम है, और इसलिए देखिए चौथे फेज तक उनको लगा कि कुछ होगा लेकिन उसके बाद उनको लगा हम हार रहे हैं, तो पूरा उन्होंने इशू बदल दिया, जब पहले से ईवीएम को टारगेट किया था उसके पहले बोले थे हम इतना काम किया हमको वोट दीजिए, फिर ईवीएम, फिर सेंट्रल फोर्स, फिर चुनाव कमीशन को टारगेट बनाकर उन्होंने किया, उससे भी काम नहीं हुआ तो कोरोना को बीच में ले आया कि कोरोना के चलते हो रहा है। समय की कमी थी लेकिन 2 तारीख तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, सर्वे भले ही हमारा है और पीपुल्स पल्स का सज्जन कुमार का है लेकिन है तो सर्वे ही, अब असलियत तो 2 तारीख को ही पता चलेगी, उस दिन आपसे फिर समय लेंगे और फिर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, एग्जैक्ट पोल का इंतजार किया जाए। बिल्कुल, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बंगाल के एग्जिट पोल के आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं लेकिन आज देश में सबसे बड़ी समस्या है कोरोना की। आज भी कोरोना के करीब 4.25 लाख नए केसेस सामने आए हैं। चुनाव और एग्जिट पोल के साथ कोरोना पर बात करना बहुत जरूरी है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।